Hello students, welcome to next session of learning. This is the fourth session on set theory. आज के इस session में हम sets की word problems करने जा रहे हैं. So अगर आपने first three parts नहीं देखे हैं तो please इस video को देखने से पहले आप first three parts देखें. Only then you are going to understand this part. Now इस session में हम word problems discuss करेंगे. तो मैक्सिमम जो एग्जाम्स हैं कॉम्पिटेटिव उनमें सेट थ्योरी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स ही आती हैं. सो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन की एग्जाम्पल दे रहा हूँ. जैसे ये है कि इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज 45 प्ले कार्ड्स एंड 30 प्ले कैरम. मतलब टोटल क्लास में 60 बॉयज हैं जिसमें से 45 कार्ड्स प्ले कर रहे हैं और 30 कैरम प्ले कर रहे हैं. तो आपने बताना है हाउ मैनी प्ले बोथ गेम्स. मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों गेम्स प्ले कर रहे हैं, कितने हैं जो ओनली कैरम प्ले करते हैं नॉट कार्ड्स, और कितने हैं जो ओनली कार्ड्स प्ले करते हैं नॉट द कैरम. तो इस टाइप को क्वेश्चंस को करने के लिए वी यूज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इन सेट थ्योरी. तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है दैट कैन बी डिफाइंड फॉर टू सेट्स, थ्री सेट्स और एनी नंबर ऑफ सेट्स. आज के इस वीडियो में मैं आपको ओनली टू सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस और टू सेट से रिलेटेड फॉर्मूले ही बताने जा रहा हूँ. तो लेट अस स्टार्ट. तो सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम और मैं इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स बताऊंगा आपको, उसके बाद हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. नाउ सपोज आई हैव टू सेट्स ए एंड बी एंड दिस इज माय यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल वेयर एज ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय टू सर्कल्स. तो आप ये देख सकते हैं कि इस वेन डायग्राम के अब टोटल फोर पोर्शन हैं. तो वो फोर पोर्शन क्या क्या है मैं उनको सिंबल दे रहा हूं. द कॉमन पोर्शन दैट यू कैन सी आई एम गोइंग टू शेड दैट, लेट दिस पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए, राइट. सिमिलरली अब जो ये ए का बाकी बचा पोर्शन है से दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल बी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सी एंड जो आउटर एरिया है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डी. नाउ वन थिंग मोर, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड व्हाट इज कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ सेट. कार्डिनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर ऑफ ए और एन ऑफ ए. एन ऑफ ए मीन्स ए में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. से जैसे ए अगर मेरा 1 2 3 4 5 है तो ए में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है n of a इसको लिखा जाएगा एंड इन दिस केस n of a इज 5. सो ये मेरा एक सिंबल है जो मैं अब यूज करूंगा. नाउ अब आप देख रहे हैं वेन डायग्राम के फोर पार्ट्स हैं a b c एंड d. तो सेट थ्योरी में इनको क्या कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट a. यू कैन सी जो a वाला पार्ट है इट इज अ कॉमन पार्ट बिटवीन बोथ सेट्स a एंड b. So this is your intersection. अगर आप operation की बात करें तो this is your intersection and A denotes number of elements present in A and B both, जो A and B दोनों में present हैं. Then we have, अगर मैं तीनों को add कर दूं A plus B plus C, A B and C, अगर मैं तीनों parts complete ले रहा हूं तो this is my number of elements present in A union B because complete circle A and B denotes your union. सिमिलरली अगर मैं ओनली बी की बात करूं, ओनली बी, तो बी पोर्शन जो है दीज आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए माइनस बी. मतलब जो ए में प्रेजेंट है बट बी में प्रेजेंट नहीं है इसको सेट थ्योरी में ओनली ए बी कहा जाता है. मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ओनली ए बट नॉट इन बी. सिमिलरली यू कैन से सी इज योर बी माइनस ए और यू कैन से दिस इज ओनली बी. एंड जो बाहर वाले एलिमेंट है डी, डी वो वाले एलिमेंट है जो ना तो ए में प्रेजेंट है ना ही वो बी में प्रेजेंट है. दिस आर कॉल्ड एज नीदर ए नॉर बी. ना ये ए में प्रेजेंट है ना ही ये बी में प्रेजेंट है. तो सेट थ्योरी में इनको लिखेंगे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विच आर प्रेजेंट इन नाइदर ए नॉर बी. A complement intersection B complement, मतलब which are present neither in A nor in B. So again A intersection B are your common element or which are present in both. तो जब भी आपने both निकालना है तो you have to find this area.
Union means which are present in either A or B, or these are also known as at least one set. क्योंकि union का मतलब which are present either in A or in B or both. तो इसको हम words में at least one भी बोल सकते हैं. तो A minus B is only A, B minus A is only B. Neither A nor B is A union B complement, or you can say A complement intersection B complement. So these are my symbols and what are these areas called in words. Now मैं आपको इसके फॉर्मूले बताऊंगा. कुछ क्वेश्चन आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं. फॉर सम क्वेश्चन वी कैन यूज डायरेक्ट दी वेन डायग्राम. तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उससे कर सकते हैं. मैक्सिमम क्वेश्चन दोनों मेथड से ही हो जाते हैं. नाउ फर्स्ट माय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन. मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी फाइंड आउट करने हैं. तो अगेन मैं वेन डायग्राम रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं. ए बी दिस इज माय यूनिवर्सल सेट. तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी. पहले मैंने ए वाले सारे एलिमेंट ले लिए, फिर मैंने बी वाले सारे एलिमेंट ले लिए. यू कैन सी ये जो ये वाले एलिमेंट है ये ट्वाइस आ गए हैं. तो इनको मैंने एक्सक्लूड कर देना है एक बार. दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. माई दिस एरिया कंप्लीट सर्कल इज ए, दिस कंप्लीट सर्कल इज बी, एंड जो बीच वाला एरिया दिस इज इंटरसेक्शन. तो ए यूनियन बी के एलिमेंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स. क्योंकि ये वाले एलिमेंट दो बार काउंट हो गए तो इनको मैं माइनस कर दूंगा. दैट्स वाई इसका नाम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन है. पहले मैं ए के एलिमेंट इंक्लूड, बी के एलिमेंट इंक्लूड, फिर कॉमन एलिमेंट एक्सक्लूड, बिकॉज कॉमन एलिमेंट दो बार काउंट हो गई है. सो दिस इज माई फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला कब कई केसेस में ए एंड बी जो मेरे सेट हैं वो डिसजॉइंट होते हैं. डिसजॉइंट सेट्स क्या हैं? अगर कोई दो सेट ऐसे हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, लाइक सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ओड नंबर्स. तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो उस केस में जो मेरा ये फॉर्मूला है ए यूनियन बी वो क्या रह जाएगा, ए प्लस बी, बिकॉज इस केस में जो एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है वो जीरो होगी. So that's why I can write formula A union B equal to number of elements in A plus number of elements in B only. Third. Now, कुछ questions ऐसे होते हैं जिसमें universal set और union अलग अलग होते हैं. Like ये concept ध्यान से समझना क्योंकि ये questions में काफी use होगा. Suppose आपको एक question दिया हुआ है, like यही question है. अगर आपकी class में 60 boys हैं, 45 कार्ड्स प्ले कर रहे हैं, 30 कैरम प्ले कर रहे हैं, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी गेम प्ले नहीं कर रहे, तो 10 स्टूडेंट वो क्या होंगे, विच आर प्रेजेंट नाइदर इन ए नोर इन बी. तो अगर आपने ये एलिमेंट्स निकालने हैं विच आर प्रेजेंट इन नाइदर इन ए नोर इन बी, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नाइदर ए नोर बी, मतलब ए नोट एंड बी नोट. तो वो निकालने के लिए मैं यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को माइनस कर दूंगा. तो पहले मेरे को यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए, फिर मेरे को यूनियन पता होना चाहिए. दोनों का अगर डिफरेंस मैं कर दूं तो मेरे पास जो ये बार वाले एलिमेंट है वो आ जाएंगे. इन सम केसेस यूनिवर्सल सेट एंड जो यूनियन है वो सेम ही होता है. अगर आपको क्वेश्चन में नाइदर नोर नहीं मेंशनड तो यूनिवर्सल सेट एंड यूनियन इज टेकन टू बी सेम. Now, my next formula, अगर मैंने ओनली ए ओनली बी निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन ए, तो ओनली ए को अगर मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, दिस इज ए दिस इज बी दिस एरिया इज माई ओनली ए. तो अगर मैं ए सर्कल देखूं तो दिस इज माई ए सर्कल. ए सर्कल में से कौन सा पोर्शन रह गया, कॉमन वाला. तो मैं ए सर्कल में से कॉमन वाला पोर्शन माइनस कर दूंगा. तो दिस इज माय नेक्स्ट फार्मूला. अगर मैंने ओनली ए निकालना है तो मैं ए सर्कल में से कॉमन वाले एलिमेंट जो है एक्सक्लूड कर दूंगा. सिमिलरली अगर मैंने ओनली बी निकालना है तो फिर बी में से कॉमन पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे. राइट, सो दिस इज माय नेक्स्ट फार्मूला. सो दीज आर वेरियस फार्मूलाज विच आर used for principle of inclusion and exclusion. Now let us start with some questions. तो मैं first example ले रहा हूँ. Suppose पहले मैं एक simple सा question करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं वो जो problem सामने board पे लिखी हुई है फिर मैं वो solve करूँगा.
let A and B are two disjoint sets such that number of elements in A union B is 500, means union में मेरे पास 500 elements हैं, A में मेरे पास 425 elements हैं. You have to find number of elements in B. Now, in this question, आपको क्या क्या given है देखिए solution में. एक तो आपको union given है 500 है, A given है 425 है. सेकेंड थिंग, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट्स. नाउ डिसजॉइंट सेट्स मींस जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो इंटरसेक्शन विल बी जीरो. तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, जब ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, सो दिस इज 500 इज इक्वल टू ए इज योर 425 प्लस बी माइनस जीरो. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कम्स आउट टू बी 500 माइनस 425 व्हिच गिव्स यू 75 एज द आंसर. सिमिलरली अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी कुछ दिया गया होता तो आप वो वैल्यू पुट कर देते, इन दैट केस भी हमारा एन ऑफ बी निकल आता. सो दिस वाज माय फर्स्ट एग्जांपल, होपफुली आपको समझ आ गई. नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन दैट इज आई हैव रिटन देयर ऑन बोर्ड. In a class of 60 boys, 45 play cards and 30 play carom. How many play both games? Only carom and only cards. तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है. Let I denote cards by symbol में यूज कर रहा हूं, cards by A and carom by B. तो एक तो आपको cards वाले स्टूडेंट दिए हुए हैं, कार्ड्स कितने प्ले कर रहे हैं 45, कैरम कितने प्ले कर रहे हैं 30. हाउ मेनी प्ले बोथ गेम्स, बोथ मतलब आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है. ओनली कैरम मतलब ए माइनस बी, कैरम को मैंने बी से नोट किया तो दिस इज बी माइनस इज वन. ओनली कार्ड्स मींस ए माइनस बी, तो ये आपने तीन चीजें फाइंड कर ली है. नाउ इन दिस क्वेश्चन 60 बॉयज जो गिवन है टोटल, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी नाइदर नोर नहीं कहा गया, तो जो 60 बॉयज गिवन है दैट विल बी टेकन एज यूनियन, राइट. तो 60 मेरा यूनियन बन गया. नाउ अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से भी करके दिखाऊंगा, एन ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन. तो यूनियन इज 60 इज इक्वल टू 45 प्लस 30 माइनस इंटरसेक्शन. इस टर्म को आप लेफ्ट में ले जाइए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 45 प्लस 30 गिव्स यू 75 माइनस 60 दिस इज 15. तो मेरे 15 एलिमेंट्स क्या आ गए जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है. अभी अगर यही चीज आपने वेन डायग्राम से फाइंड करनी होती, सो यू कैन सी, देखिए मेरे पास यूनियन इज 60 इज गिवन टू बी यूनियन, राइट. 45 इधर प्रेजेंट है ए में, 30 प्रेजेंट है इधर. तो आपने क्या करना है, सिंपली दोनों को ऐड करना है और ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, 45 प्लस 30 माइनस 60. पूरा मेथड मैं तभी बता रहा हूं तो आपको इजीली क्लियर हो जाए. तो वेन डायग्राम से आपने सिंपली दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि ए सर्कल कंप्लीट प्लस बी सर्कल कंप्लीट, और ये वाला पोर्शन जो है ट्वाइस आता होता है, इसलिए इसको हम यूनियन में से जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा, राइट. अब जो नेक्स्ट पार्ट है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का मैंने फॉर्मूला बताया आपको, बी में से आपने कॉमन पार्ट एक्सक्लूड कर देना है. अब क्योंकि मेरे पास कॉमन पार्ट आ चुका है 15, तो ये कंप्लीट सर्कल 30 है, ये वाला एलिमेंट 15 है, तो बाकी ये क्या बचेगा 30 माइनस 15. तो दिस इज फ्रॉम वेन डायग्राम. अगर आप फॉर्मूला से करोगे 30 इज एन बी, इंटरसेक्शन इज माय इंटरसेक्शन इज 15, इंटरसेक्शन में 15 फाइंड कर चुका हूं, तो ये 15 आ जाएगा. सिमिलरली जब आपने ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी इज योर अगेन 45 माइनस 15, तो ये आप डायरेक्टली अब कर सकते हैं 30. सो आंसर टू द फर्स्ट पार्ट इज बोथ गेम कितने प्ले कर रहे हैं 15,
ओनली कैरम कितने प्ले कर रहे हैं 15 एंड ओनली कार्ड्स कितने प्ले कर रहे हैं 30 राइट. दिस पार्ट पोर्शन इज 30 जो सिर्फ ये वाला पोर्शन है. सिमिलरली दिस पोर्शन इज 15 दिस पोर्शन इज 15. अगर आप तीनों को एड अप करोगे तो यू विल गेट द यूनियन. यू कैन चेक 15 + 15 + 30 दैट इज अगेन इक्वल टू 60. सो दिस वॉज अ प्रॉब्लम विच इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. Now, एक मैं लास्ट प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, उसके बाद ये टू सेट्स वाला सेशन जो है मेरा एंड होगा. होपफुली आपको ये समझ आ रहा है. इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. सो लेट अस टेक वन मोर प्रॉब्लम. अ टाउन हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 25,000. अ टाउन हैज पॉपुलेशन ऑफ 25,000. मीन्स 25,000 उस टाउन की पॉपुलेशन है और उसमें से 13,000 रीड द ट्रिब्यून. सिमिलरली 10,500 रीड इंडियन एक्सप्रेस एंड देर आर से 2,500 रीड बोथ पेपर्स. 2,500 रीड बोथ पेपर्स मतलब ये कॉमन एलिमेंट आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं. तो आपने फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में. यू हैव टू फाइंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु रीड नाइदर ऑफ दीज न्यूज़पेपर राइट. क्वेश्चन इज क्लियर. 25,000 मेरी टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 13,000 ट्रिब्यून रीड कर रही है, 10,500 इंडियन एक्सप्रेस रीड कर रही है, 2,500 दोनों रीड कर रहे हैं. तो मैंने बताना है कितने पर्सन ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते. अगर आप वेन डायग्राम देखें तो नाउ आई हैव टू फाइंड दिस वन एरिया जो बार वाला एरिया है जो दोनों में इंक्लूड नहीं होता. तो इस क्वेश्चन में क्योंकि नाइदर नॉर दिया हुआ है तो जो टोटल पॉपुलेशन है दिस इज नॉट योर यूनियन बट दिस इज द यूनिवर्सल सेट. जो 25,000 है वो यूनियन नहीं है इस केस में, इस केस में वो यूनिवर्सल सेट है. यही मिस्टेक स्टूडेंट ज्यादातर करते हैं तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है. अगेन मेरे पास दो सेट्स हैं, ट्रिब्यून को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस को मैं बी से डिनोट कर रहा हूं. तो मेरे पास ट्रिब्यून वाले 13,000 है, इंडियन एक्सप्रेस वाले मेरे पास 10,500 है एंड दोनों वाले मतलब कॉमन वाले मेरे पास 2,500 अवेलेबल है. नाउ सबसे पहले क्योंकि इस क्वेश्चन में यूनियन नहीं है तो मैं यूनियन निकालने जा रहा हूं. मींस ये वो वाले पर्सन आ जाएंगे जो एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर रीड करते हैं. तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है यूनियन का, ए प्लस बी माइनस कॉमन एलिमेंट. इंटरसेक्शन वाले में माइनस कर दूंगा. तो ए वाले कितने हैं 13,000 प्लस बी वाले 10,500 माइनस इंटरसेक्शन 2,500 13 + 10 23,500 माइनस 2,500 यू विल गेट 21,000. तो 21,000 मेरे कौन से पर्सन आ गए जेडे कम जो कम से कम एक न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, मींस जो यूनियन आ चुका है. तो यूनिवर्सल सेट मेरे को बताया टोटल कितने पर्सन अवेलेबल है 25,000, उसमें से 21,000 एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं. तो बाहर वाले कितने बचाएंगे उसका फॉर्मूला मैंने बताया आपको डायरेक्ट, आप वेन डायग्राम से पता ही चल रहा है आपको 25 - 21 तो ये 4,000 आ जाएंगे. अदरवाइज मैंने फार्मूला क्या बताया है विच आर प्रेजेंट नाइदर इन ए नॉर इन बी यूनिवर्सल सेट माइनस यूनियन. तो 25,000 माइनस 21,000 तो दीज आर 4,000 पर्संस विच आर प्रेजेंट नाइदर इन ए नॉर इन बी. मतलब 4,000 ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रहे. अब आपको क्वेश्चन में इसकी परसेंटेज पूछी गई है तो इसकी परसेंटेज कैसे निकालोगे आप. 4,000 मेरे पास पर्सन है, कितने में से है 25,000 में से आउट ऑफ 25,000 इंटू 100 तो कैंसल आउट 24 × 4 = 16% इज माई आंसर. ये आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन. ये आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया, आप डायग्राम बना के इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो होपफुली आपको ये टू सेट्स वाले क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे. Now you can practice more questions and if you have any query you can ask in comment section. Otherwise please like and subscribe the channel. Thank you, have a great day.